हमने कल रीइंफोर्समेंट थ्योरी को कवर कर लिया था। टुडे विल बी रैपिंग अप विद द इक्विटी थ्योरी क्विकली, क्योंकि आज हमारी एक फैकल्टी मीटिंग है 2 बजे सी ट्रैप की फैकल्टी की। सो आई हैव टू अटेंड दैट मीटिंग टू, सो वी विल बी क्विक टुडे। वी डिस्कस्ड रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव। चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, इक्विटी थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। इक्विटी थ्योरी कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करती है कि उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ डू केयर अबाउट जस्टिस एंड ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ये कहती है कि जस्टिस मीन्स फेयरनेस ऑफ आउटकम्स प्रोसीजर एंड इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट। मॉडर्न परस्पेक्टिव ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जो है दैट इज एट द नेक्स्ट लेवल। इट्स नॉट अबाउट वॉट, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ। जो क्लासिकल व्यू है वो सिर्फ व्हाट की बात करता है, ठीक है। मॉडर्न जो व्यू है वो प्रोसेस थ्योरी की बात भी करता है कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू द जस्टिस। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे फॉर्मेशन ऑफ फेयरनेस परसेप्शन डेवलप होती है। फेयरनेस परसेप्शन कहते हैं हाउ व्हाट बिलीव यू हैव दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, आपकी फेयरनेस परसेप्शन कहलाती है। एज वेल एज इंडिविजुअल रिएक्शंस टू परसीव्ड इनजस्टिस। अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसको इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी मॉडर्न व्यू में आता है। सो क्लासिकल कॉन्टेक्स्ट जो है दैट इज जस्ट फेयरनेस ऑफ आउटकम्स प्रोसीजर्स एंड इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, जबकि मॉडर्न जो है इट ऑल्सो एग्जामिन दैट वाई एम्प्लॉयज केयर अबाउट जस्टिस। लोग क्यों फिक्रमंद होते हैं जस्टिस के मुतालिक, लोग क्यों कंसर्न होते हैं जस्टिस के मुतालिक। What is the reason behind the people that why are they concerned about justice? The modern view है वो एक कदम आगे चला जाता है। So organizational justice embraces the broader topic of employee perceptions of fairness in the workplace. Employee perception of fairness जो है वर्कप्लेस में उसको encounter करता है, उसको cover करता है। Perception को हम चार categories में, rather तीन broad categories में divide करते हैं। Perception, fairness जो है परसेप्शन ऑफ फेयरनेस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरैक्शनल जस्टिस। इंटरैक्शनल जस्टिस में आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, इंटरपर्सनल जस्टिस है और इंफॉर्मेशनल जस्टिस है। सो वी हैव थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द फेयरनेस एसोसिएटेड विद डिजायर्ड आउटकम। फॉर एग्जाम्पल दो इम्प्लॉयज़ हैं एक इदारे में, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, एक को सैलरी कम मिल रही है एक को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस मौजूद है। एक वन इज बीइंग पेड मोर, वन इज बीइंग पेड लेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों एक जैसा काम करते हैं। सो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस से मुराद है जस्टिस विच इज कंसर्न द प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेयर ट्रायल की बात होती है, एक एम्प्लॉय गलती करता है तो उसे आप बड़ी आसानी से ओवरसी कर देते हैं, कोई और एम्प्लॉय गलती करता है तो उसे आप लाइन हाजिर कर लेते हैं, उसे आप रेप्रीमांड करते हैं। मीन्स के प्रोसीजरल इनजस्टिस है, बायस है, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रोसीजरल जस्टिस का हिस्सा बनती हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शनल जस्टिस जो है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ डील करता है, delivering news with sensitivity, respecting one's a decision has been made. Interactional justice में आगे further दो streams होती हैं, interpersonal justice और informational justice. Interpersonal justice जो है that is the justice which is based on treatment of people. आप लोगों के साथ deal कैसे करते हैं, उनको आप treat कैसे करते हैं। ये नहीं है कि अगर आपका PN है तो उसे आपने abuse करना है, अगर आपका boss है तो उसे आपने जी हजूरी करनी है। Interaction uniform होना चाहिए, हर कोई respect deserve करता है, हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी होती है, तो इंटरपर्सनल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशनल जस्टिस। इंफॉर्मेशनल जस्टिस जो होता है दैट इज द जस्टिस इन विच एडिक्वेसी ऑफ एक्सप्लेनेशन जो आप लोगों को देते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिसिटी, ट्रूथफुलनेस एंड टाइमलीनेस। जो जो इंफॉर्मेशन जिस तक पहुँचनी चाहिए वो उस तक पहुँचे, स्पेसिफिक हो, ट्रूथफुल हो और टाइमली हो। जैसे हमने याद है पढ़ा था रिडंडेंसी के अंदर सेकंड चैप्टर में कि आपने एम्प्लॉयज़ को ओपनली बता देना होता है अगर आप
कट डाउन कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस पे, या अगर आप कोई ऑपरेशनल डिवीजन बंद करें तो यू शुड इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को आपने बता देना होता है, टाइमली इन्फॉर्म कर दें, ट्रूथफुल हो, ये इन्फॉर्मेशनल जस्टिस कहलाता है। आप इन्फॉर्मेशनल लेवल पे जस्टिस क्रिएट कर रहे होते हैं। सो वी हैव थ्री मेन परसेप्शंस ऑफ जस्टिस इन ऑर्गेनाइजेशंस: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड इंटरेक्शनल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, द सैलरीज फॉर एग्जांपल, पे रेजेस, एनुअल बोनस अनाउंस हुए, एक एम्प्लॉई का इंक्रीमेंट ज़्यादा है, एक का कम है, लेकिन दोनों ने इक्वल एफर्ट की, इक्वल काम किया था, तो इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस मौजूद है। प्रोसीजरल जस्टिस, दो एम्प्लॉयज एक ही प्रोसेस से गुजरते हैं, एक का ट्रीटमेंट और है, दूसरे का ट्रीटमेंट और है, प्रोसीजरल इनजस्टिस मौजूद है। इंटरेक्शनल जस्टिस, जब आप इंटरेक्शंस करते हैं लोगों के साथ, व्हेन यू कम्युनिकेट विद पीपल, तो यू रियलाइज कि आपने इंटरपर्सनल जस्टिस को होल्ड करना है और आपने इंफॉर्मेशनल जस्टिस को भी होल्ड करना है। यू हैव टू होल्ड देम बोथ, ठीक है, यू हैव टू होल्ड बोथ ऑफ देम। जस्टिस रिसर्च कैन अकर एट नंबर ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जस्टिस रिसर्च जो है, यानी जस्टिस किस लेवल पे डेवलप होता है, एक देखें, एक होती है जस्टिस क्लाइमेट। जस्टिस क्लाइमेट जो है, ये एक इदारे के अंदर पाई जाती है कि इदारे के अंदर कितनी शेयर्ड परसेप्शन है जस्टिस की फ्रॉम विद इन वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे ऊपर का लेवल है नेशनल कल्चर के, कल्चरल परसेप्शन क्या है जस्टिस की, हाउ जस्टिस परसेप्शन एंड रिएक्शन वेरी अक्रॉस कल्चरल ग्रुप्स। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जस्टिस की परसेप्शन क्या है, लाइक पाकिस्तान के अंदर माइट बी जस्टिस परसेप्शन कुछ और हो, अमेरिका में कुछ और हो। तो जस्टिस रिसर्च जो है, ये दो लेवल्स पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्टिस रिसर्च कैन अकर एट नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर वन, जस्टिस क्लाइमेट क्या है, हाउ द परसेप्शन आर शेयर्ड रिगार्डिंग जस्टिस विद इन वर्क ग्रुप्स एंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर, और हाउ द परसेप्शन ऑफ जस्टिस is understood across the national cultures, across various cultures। ये question paper में आ चुका है equity theory में, इन तीनों के ऊपर, तीन types of justice पे question paper में पेयर हो चुका है, ठीक है। इन तीनों types को explain करना था, ये question आया था 9, 8, 9 marks का। तो ये है equity theory। equity theory का मतलब ये होता है कि employees care about justice, employee want to be treated fairly, employees want to be given a fair chance, ठीक है ना। पीपल कंसिडर दैट द ट्रीटमेंट शुड बी फेयर, आउटकम शुड बी फेयर, प्रोसीजर शुड बी फेयर। लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनका ट्रीटमेंट फेयर हो, आउटकम फेयर हो। जो क्लासिकल व्यू है जस्टिस का, दैट ओनली टॉक्स अबाउट कॉन्टेंट थेरीज, वॉट क्रिएट्स जस्टिस। जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ जस्टिस इज क्रिएटेड, जस्टिस क्रिएट कैसे होता है, जस्टिस जो है वो क्रिएट कैसे होता है, जस्टिस का ओवरऑल आउटकम क्या होता है, कैसे जस्टिस एग्जिस्ट करता है इदारे के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द इक्विटी थ्योरी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ 7 चैप्टर। टुडे फैकल्टी मीटिंग है आज हमारी 2 बजे सी फैप की फैकल्टी की। So I'll be leaving at 2 within 8 minutes. मैं उससे पहले मैं एक क्विक ओवरव्यू करा दूँ इस चैप्टर का, ताकि हम फिर कल इस चैप्टर के पास पेपर क्वेश्चन को रिव्यू करके कल हम इंशाल्लाह मूव करेंगे लीडरशिप के ऊपर। इस चैप्टर को हमने ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वी हैव 3 मेन पार्ट इन दिस चैप्टर। पहली हमने पढ़ी है क्लासिकल थेरी, थेरीज ऑफ मोटिवेशन। फिर हमने पढ़ा है रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। और फिर हमने मॉडर्न थेरीज को डिस्कस किया है। क्लासिकल थ्योरी, यहाँ हमने 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ी है कंटेंट थ्योरी और एक हमने पढ़ी है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी हमने आगे फर्दर 3 डिस्कस की हैं और ये हमने 4 डिस्कस की हैं। सॉरी, दिस इज़ वन, टोटल हमने 4 डिस्कस की हैं, ठीक। टोटल वी हैव टॉक्ड अबाउट 4। फिर रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन में भी वी डिफाइंड एक्सटेंडिक इंटेंसिक रिवॉर्ड्स। एक्सटेंडिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंटेंसिक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, what managers can do to motivate their staff. So here we talked about content theories, here we talked about process theories. Content और process theories को debate किया हमने। फिर मैस्लो hierarchy of need theory को thoroughly पढ़ा हमने।
फिर हमने हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया, फिर हमने मैकलिलनी थ्योरी को डिस्कस किया, फिर हमने विक्टर रूम की थ्योरी को डिस्कस किया। ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल ऑफ दीज थ्योरीज आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। फिर रिवॉर्ड सिस्टम पे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को डिस्कस किया, फिर हमने कहा व्हाट मैनेजर्स कैन डू टू मोटिवेट देयर स्टाफ। सारी थ्योरीज का हमने यहाँ पे क्रक्स निकाला, उसकी हमने समरी निकाली। फिर हमने रिवॉर्ड सिस्टम और मोटिवेशन को एस्टैब्लिश किया कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में जो चीज़ें होती हैं, पे है और आपकी रेम्यूनरेशन है और आपकी प्रमोशन है। फिर हमने इंडिविजुअल रिलेटेड पेज, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर इंडिविजुअल्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज फॉर ग्रुप्स, एंड देन वी डिस्कस्ड कंपनी वाइड बोनसेस। उसके बाद हमने बात की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की और इंट्रेंसिक रिवॉर्ड्स की, एंड दैट्स वेयर वी कंक्लूड रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन। उसके बाद हमने जंप किया मॉडर्न थेरीज ऑफ मोटिवेशन पे। पांच थेरीज हैं, पहले हमने गोल सेटिंग का प्रोसेस पढ़ा, यहाँ से हमने गोल सेटिंग थेरी पढ़ी, फिर हमने MBO को डिस्कस किया, फिर हमने सेल्फ एफिकेसी को डिस्कस किया, फिर हमने लॉ ऑफ इफेक्ट और री इन्फोर्समेंट थेरी को डिस्कस किया, फिर हमने इक्विटी थेरी और ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस को डिस्कस किया। सो दिस इज़ वॉट वी टॉक्ड अबाउट। आज हमने आखिरी थेरी कवर की है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ एफिकेसी अभी आई है रिसेंटली, दोबारा आने के चांसेस बहुत कम है। इससे पहले री इन्फोर्समेंट थेरी आ चुकी है, इससे पहले MBO आ चुकी है, इससे पहले इक्विटी थेरी आ चुकी है, गोल सेटिंग थेरी काफ़ी पहले आई थी। आपके अटेम्प्ट के लिए गोल सेटिंग थेरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इक्विटी थेरी है, फिर उसके बाद री इन्फोर्समेंट है, फिर MBO है, और फिर सेल्फ एफिकेसी है। दिस इज़ हाउ यू विल प्रायोरिटाइज। ये आपकी प्रायोरिटी बनती है, इस तरह आप इसे प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू टॉक अबाउट। यहाँ से फिर मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन का पर्पज़ क्या होता है, मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सिचुएशन दी जाए या स्टेटमेंट दी जाए, कहा जाए बताएं ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी आना चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आपको वैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप गोल्स मस्ट बी स्मार्ट, अलाइनिंग पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स। जब गोल्स को रिकॉर्ड करें तो उन्हें पॉजिटिवली स्टेट करें, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स का टॉपिक। फिर MBO डिस्कस किया हमने, इसके बेनिफिट्स का प्रोसेस, सेल्फ एफिकेसी पे बात की, रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। इस चैप्टर के पास्ट पेपर क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह परसों, बल्कि कल ही हम एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, विल स्टार्ट लीडरशिप टुमारो। और इस चैप्टर को हम कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स देंगे इसके बाद। मत दिस इज़ द ओनली चैप्टर, इसमें बहुत सारी थेरीज हैं, लीडरशिप स्टाइल्स, थेरीज ऑफ लीडरशिप, कॉन्टिजेंसी एंड क्लासिकल थेरीज। इस चैप्टर के अंदर इन तीन पार्ट्स में कुछ 14 के करीब फ्रेमवर्क्स और थेरीज मौजूद हैं, अराउंड 14 थेरीज एंड 14 फ्रेमवर्क्स आर देयर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का टेस्ट मैं कल अपलोड करवा दूंगा। 7 चैप्टर का टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक में होगा। पार्ट बी का जो पार्ट ए का जो टेस्ट है, जो लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में चेक होकर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यू विल गेट दैट टेस्ट टुडे और टुमारो मैक्सिमम, इसी वीक में आपको मार्क होकर मिल जाएगा। आई विल मेक श्योर के उसके ऊपर सारे मैं कमेंट्स वगैरह भी डाल के आपको भेजूँ, ताकि आपके जो भी उसमें लर्निंग है वो आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। So we will be concluding it for today because I have to go to a meeting at 2. Inshallah, we will continue karenge. We'll continue with the past paper discussion of the 7th chapter tomorrow, and along with that we all will start our 8th chapter. Theek hai beta? Sure. Thank you so much for joining. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.